गाइज, अगर आप भी एक कोई कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर कहूँ तो एक यूट्यूबर हैं, तो आपको भी टाइम के साथ साथ में कुछ नई चीजों की जरूरत होती है कि जो आपकी वीडियो को और ऑडियो को बेटर क्वालिटी दे, जो आपकी कंटेंट को बेटर क्वालिटी दे। मैं भी टाइम के साथ में अपने कंटेंट को और ज्यादा बेटर करने की कोशिश करता हूँ आप सभी के लिए, और इस बार भी मैं अपनी कंटेंट की क्वालिटी को और ज्यादा बेटर करने के लिए कुछ लेने का सोच रहा था, लेकिन इस बार मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था। सबसे पहले मेरे माइंड में आया कि क्यों ना मैं एक और नया लेंस खरीदूं अपने कैमरे के लिए, जिससे कि मेरी वीडियो की क्वालिटी और बेटर हो जाए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि मेरे पास सोनी का अल्फा 6100 है और मैं अभी भी इसके साथ का जो किट लेंस है उसी को यूज करता हूं। लेकिन यहां पर मैंने थोड़ी देर बाद में सोचा कि कैमरा तो सोनी का ही है, तो अभी तो क्वालिटी इतनी अच्छी तो दे ही देता है कि मेरे को अभी मैं बिना लेंस के ही यूज कर सकता हूं, कोई और लेंस की मुझे जरूरत नहीं है। फिर मेरे माइंड में आया क्यों ना एक नया मॉनिटर ले लिया जाए, जिससे कि मैं वीडियो की एडिटिंग को थोड़ा फास्ट कर पाऊं। जब मॉनिटर बड़ा होगा, साइज बड़ी होगी, तो कंटेंट भी इजीली मैं देख पाऊंगा, और जो मेरा लैपटॉप का जो स्क्रीन है उसमें भी कुछ डैमेज है, तो इस हिसाब से मैंने सोचा एक मॉनिटर में इन्वेस्ट करना ही अच्छा रहेगा। उसके बाद भी कुछ टाइम बाद में मैं कंफ्यूज होके उसको भी ड्रॉप कर दिया और वापस अपने लैपटॉप को यूज करने के लिए बैठ गया। तो एकदम से मैंने वहां पे देखा कि जो मेरा लैपटॉप है उसकी जो हार्ड डिस्क है, जो स्टोरेज है, वो काफी ज्यादा भर चुका है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में मेरे पास स्पेस ही ना बचे। तो फिर मैंने इन सारी चीजों को लेने का आइडिया ड्रॉप कर दिया और सोच लिया कि अब जल्दी से लेनी है मेरे को एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, जिससे कि मैं अपने डेटा को स्टोर कर पाऊं और भी ज्यादा। इसके बाद तो मैंने हाथों हाथ अपना फोन उठाया और उसके बाद में अमेजोन पे जाके ऑर्डर लगाया हार्ड डिस्क का, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का, जो कि मेरे पास दूसरे ही दिन आ गई। तो गाइस, ये है वो हार्ड डिस्क और आज का वीडियो पूरा का पूरा इसी हार्ड डिस्क के बारे में होने वाला है। मैं यहाँ पर फुल रिव्यू करने वाला हूँ इस हार्ड डिस्क का और पूरी की पूरी डिटेल आपको मिलने वाली है। अगर आप भी कोई हार्ड डिस्क परचेज करने वाले हैं तो पहले आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो गाइस, ये जो हार्ड डिस्क है ये आती है वेस्टर्न डिजिटल की तरफ से और इस हार्ड डिस्क का जो पूरा नाम है वो है माई पासपोर्ट और ये 2 TB वेरियंट है इस हार्ड डिस्क का और ब्लैक कलर के अंदर मैंने यहाँ पर परचेज की है। साइज की अगर यहाँ पर बात की जाए तो ये बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट है साइज के अकॉर्डिंग। यहाँ पर इसकी जो डायमेंशंस है वो है 2.95 इंच बाय 4.22 इंच, और वेट की यहाँ पर बात की जाए तो ये 120 ग्राम्स की ही है ओनली। साथ में ही इसका जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा स्लिम मिलता है, जिसकी वजह से आप इस हार्ड डिस्क को पॉकेट में भी कैरी कर सकते हो। अगर इस हार्ड डिस्क का मैं कंपैरिजन करूँ बाय साइज तो यहाँ पर मेरा वन प्लस नॉट 2 है और इसके साथ में ये हार्ड डिस्क है, तो आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं इस हार्ड डिस्क की जो साइज है वो क्या है। ये जो हार्ड डिस्क है वो आपको मिलेगी यहाँ पर 3.0 के साथ में, और साथ में ही ये कम्फर्टेबल है 3.0 और 2.0 के साथ। साथ में ही ये हार्ड डिस्क कम्फर्टेबल है PC, लैपटॉप, PS4 और Xbox के साथ में। कलर की यहाँ पर बात की जाए तो मेरे पास जो इसका ब्लैक कलर है, और यहाँ पर मार्केट में आपको इसके और भी काफी सारे कलर वेरियंट मिल जाएंगे, जैसे की ब्लू, व्हाइट, रेड और नेवी ब्लू। स्टोरेज कैपेसिटी की यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर मेरे पास जो वेरियंट है वो 2 TB वाला है। इसके अलावा आपको मार्केट में इसके अलग अलग स्टोरेज वेरिएंट भी मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर 1 TB, 2 TB, 4 TB और 5 TB वेरिएंट इसके आते हैं। ये हार्ड डिस्क जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स में सपोर्ट होती है वो है विंडोज 10, 8.1 और क्रोम OS। साथ में ही आपको इस हार्ड डिस्क के साथ में पासवर्ड प्रोटेक्शन और डेटा एनक्रिप्शन मिल जाता है, जो कि 256 AES हार्डवेयर के साथ में वर्क करता है। अब जल्दी से इस हार्ड डिस्क को मैं प्लग इन कर देता हूँ अपने लैपटॉप के अंदर। साथ में ही जब भी आप इस एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर प्लग इन करें तो ये ध्यान रखिएगा कि आप इसको USB 3.0 वाली पोर्ट के साथ में ही कनेक्ट करें, जिससे कि आपको इस हार्ड डिस्क की बेटर स्पीड मिल पाए। तो गाइस, जैसे ही आप इस हार्ड डिस्क को अपने लैपटॉप या पीसी के साथ में कनेक्ट करेंगे तो आप यहां पर इसके अंदर एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर जो आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि है वेस्टर्न डिजिटल डिस्कवरी सॉफ्टवेयर। यहां पर मैक और विंडोज दोनों के लिए अलग अलग वेरिएंट दे रखे हैं, आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो। यहां पर मैंने अपने डेटा का बैकअप पहले ही ले रखा है, इसीलिए आपको पर्सनल और यूट्यूब नाम से भी फोल्डर दिख रहे हैं, लेकिन आप जब हार्ड डिस्क लोगे तो यहां पर आपको इतना कुछ देखने को नहीं मिलेगा। इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपने हार्ड डिस्क का बैकअप, पासवर्ड प्रोटेक्शन और
और डेटा इंक्रिप्शन के साथ में ही ड्राइव मैनेजमेंट भी इजीली कर पाएंगे। साथ में ही आप इस हार्ड डिस्क को या हार्ड ड्राइव को बिना इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए भी यूज कर सकते हैं डेटा कॉपी पेस्ट करने के लिए। यहाँ पर मेरे पास पीसी में एक फोल्डर पड़ा है 23 नाम से और इसकी जो साइज़ है वो है 9.15 GB। और अब मैं इसको अपनी हार्ड ड्राइव के अंदर कॉपी करके आपको स्पीड बताता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इसको कॉपी करता हूँ तो आप यहाँ पर इसकी स्पीड चेक कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छी स्पीड मिलती है, लेकिन एवरेज अगर इसकी स्पीड देखी जाए तो यहाँ पर 60-70 MBPS की स्पीड आपको इजीली मिल पाएगी। इसी के साथ में अगर मैं हार्ड डिस्क से वापस अपने पीसी के अंदर या लैपटॉप के अंदर डेटा को कॉपी करता हूँ तो वही सेम स्पीड भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो फिर अब मेरा ओपिनियन जो है यहाँ पर इस हार्ड डिस्क को लेकर, तो मेरे हिसाब से अगर आप एक यूट्यूबर हैं और एक कंटेंट क्रिएटर हैं जिसको ज़्यादा हैवी फाइल्स को यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो आप इस हार्ड ड्राइव को परचेज कर सकते हैं इजीली। यहाँ पर जो इसकी स्पीड मिलती है वो अच्छी है, लेकिन अगर आपको इससे भी ज़्यादा स्पीड की हार्ड ड्राइव चाहिए तो आप फिर HDD ना लेकर SSD लें, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। और अगर आप एक रियल टाइम एडिटिंग चाहते हो अपनी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के थ्रू तो आप वो इससे पॉसिबल नहीं कर पाएंगे, आपको SSD ही परचेज करनी पड़ेगी। SSD थोड़ी कॉस्टली होती है, तो इसीलिए अगर आपको इतनी नीड नहीं है तो आपके लिए ये हार्ड ड्राइव बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर हर एक फीचर जो इस हार्ड ड्राइव का है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। अब लास्ट में गाइज यहाँ पर बात करते हैं वारंटी और प्राइसिंग की। तो यहाँ पर कंपनी की तरफ से आपको जो इस हार्ड ड्राइव की वारंटी मिलती है वो मिलती है 3 ईयर के लिए लिमिटेड वारंटी। इसके साथ में ही अब बात करें प्राइसिंग की, तो मैंने इस हार्ड ड्राइव का जो 2 TB का वेरिएंट है वो परचेज किया था अमेजोन के थ्रू, और अमेजोन के थ्रू इस हार्ड ड्राइव का जो ब्लैक कलर का वेरिएंट है वो मुझे मिला है 5,649 रुपीज के अंदर। यहाँ पर अलग अलग कलर्स और अलग अलग कैपेसिटी हार्ड ड्राइव की आपको अमेजोन पे मिल जाएगी। यहाँ पर मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका बेस्ट बाय लिंक भी दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके डायरेक्टली इस हार्ड डिस्क को परचेज कर सकते हैं। तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा आपको ये वीडियो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। और इसी के साथ में अगर आपके कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर आपको कुछ और कंफ्यूजन है इस हार्ड ड्राइव से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी उनका रिप्लाई दे दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।